अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी ब्रेक की टैबलेट के हवाले से कि ब्रेक की टैबलेट है क्या इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कौन सी खावतान जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ 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 प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाजमी लाइक किया करें शेयर किया करें ब्रेकी टैबलेट का जो फार्मूला है वो है मीजोप्रोस्टोल जो कि 200 माइक्रोग्राम की टैबलेट है ये टैबलेट उन खातियों के लिए बनाया गया है जो अपने बच्चों में जो है वो वफा चाहती हैं यानी कि ये टैबलेट तीन माह तक के हमल को यानी कि बेबी को ज़ाया कर सकता है तो ब्रेकी टैबलेट जो है वो बेसिकली अबॉशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा ये मेडिसिन जो है वो स्टमक अल्सर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अगर मैदे में जो है वो ज़खम हो गया है तो इसके लिए भी जो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले इसके जो है हम साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसमें जो है ये आपको जो है वो मामूली सा चक्कर आ सकता है आपका सर भारी हो सकता है आपको मतली सा फ़ील होगा आपके स्टमक में यानी कि पेट में जो है वो दर्द भी रह सकता है इसके अलावा आपको कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है आपको जो है वो पेनफुल पीरियड्स भी हो सकते हैं इसके अलावा अब आ जाते हैं कि कौन सी खावतीन जो है वो इसका, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं करना है जो खावतीन अपना हमल ठहराना चाहती हैं ज़ाया नहीं करना चाहती हैं वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगी इसके अलावा इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी और वो खातिन जिनको इस फॉमले से इस मेडिसन से जो है वो एलर्जी हो तो वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी अब आ जाते हैं इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल है रोज़ाना जो है वह आपने दो टैबलेट लेना है एक सुबह और एक शाम खाना खाने के बाद गायनी के मशवरे के साथ इस्तेमाल कीजिएगा बैगर गायनी के एडवाइस के इस्तेमाल आपने नहीं करना है ये थी मेरी आज की वीडियो ब्रेकी टैबलेट के हवाले से उम्मीद है कि आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकती हैं अपना ख्याल रखिए मुझे दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज